हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लास तो आज हम लोग आपका फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर टू दैट इज फोर्स एंड मोशन इसका लेक्चर नंबर सिक्स करने वाले हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था इस पूरे चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, motion, और था आपका, force, और जिसको हम बोलते तो आज हम आपके का लेक्चर हम लोग खत्म करने वाले, आज का हम करने वाले तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल तो इसमें क्या गिवन है पहले उसको हम लोग अच्छे से रीड करते हैं ए बी सी इज अ ट्राइंगुलर पार्क द लेंथ ऑफ साइट ए बी BC and CA are 40 meter 30 meter and 50 meter respectively two men starting from A at some time reaches C but one of them goes straight along the path AC and the other follows the path ABBC

राइट right? और इसका नाम दिया गया है ए बी सी तो ये ए बी सी हो गया आपका पास एक ट्रैंगुलर पार्क तो इस वर्टिसेस का नाम देता हूं इस वर्टिस का नाम देता हूं मैं ए इसका नाम हो गया बी एंड दिस वन इज द सी अब ध्यान से देखना क्या गिवन है यहाँ पे दो मैन है एक मैन आपका अलोंग द पाथ ए सी देखना ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा गया है टू मैन स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट सम टाइम टी रीचेस सी बट वन ऑफ देम गो स्ट्रेट अलोंग ए सी तो एक इंसान स्ट्रेट ए सी पाथ के अलोंग मूव कर रहा है और दूसरा इंसान जो पाथ फॉलो कर फर्स्ट वो जा रहा है ए से बी पॉइंट पे और उसके बाद वो जा रहा है बी से सी पॉइंट पे राइट right? तो दोनों का पाथ जो है वो अलग अलग है अब यहाँ पे जो जो साइड से उसका लेंथ क्या गिवन है ए बी का लेंथ गिवन है फोर्टी मीटर उसके बाद बी सी का लेंथ गिवन है थर्टी मीटर और ए सी का लेंथ गिवन है आपके पास फिफ्टी मीटर राइट right? तो so, हमने ये जो ट्रायंगल बनाया उसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इसके का रीजन क्या है वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता दा हूँ ध्यान से देखना एक साइड आपके पास है फोर्टी मीटर राइट दूसरा साइड है थर्टी मीटर तीसरा साइड आपके पास फिफ्टी मीटर तो अगर मैं यहाँ पे फोर्टी का स्क्वायर करता हूँ और थर्टी का स्क्वायर करता हूँ और अगर मैं इसका रूट कर लूँ सो दिस इज कमिंग एज फिफ्टी ओनली राइट इसका मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है का स्क्वायर या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अगर मैं रूट कर रहा हूँ सो so, ये मेरे पास आ रहा है हाइपोटे न्यूज जो कि पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होता है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स मतलब कि ये क्लियर हो गया कि जो ट्राइंगल बनने वाला है दैट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे यहाँ पे ए बी को हमने लिया है परपेंडिकुलर बी सी को हमने लिया है आपका बेस एंड ए सी हो गया आपका सबसे जो बड़ा साइड है दैट इज योर हाइपोटी न्यूज क्लियर चलो अब आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ द पर्सन सो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ ये पर्सन वन है जो कि स्ट्रेट पाथ फॉलो किया है फ्रॉम ए टू द पॉइंट सी राइट ये हो गया आपका पर्सन वन तो ध्यान से देखना इसका अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर फॉर पर्सन वन फॉर पर्सन वन देखो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं डिस्प्लेसमेंट राइट right? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डिस्प्लेसमेंट इज द लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स तो अगर मैं ए और सी के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं जो कि ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ किया गया है उसका लेंथ कितना है 50 मीटर सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 50 मीटर राइट सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है स्पीड अब ध्यान से देखना इस केस में ये जो मैन है वो अलॉन्ग एसी पाथ ही आया है मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा वो उसके स्पीड के बराबर होने वाला है राइट right? तो स्पीड कितना हो जाएगा स्पीड हो जाएगा आपके पास फिफ्टी और इसने टाइम कितना लिया पर्सन ए टाइम कितना लिया पर्सन ए टाइम लिया है, 10 so 50 10 और ये आपके पास right? तो जैसा कि मैंने बताया कि uh, स्ट्रेट पाथ तो का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होने वाला है और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है डेट मीन की स्पीड भी आपका इक्वल ही होने वाला है तो अगर मैं सो निकालूस so आ जाएगा आपके पास अगेन फाइव मीटर पर सेकेंड राइट तो पर्सन वन के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया है अब आ जाओ पर्सन टू पे सो फॉर पर्सन फॉर पर्सन टू ध्यान से देखना फर्स्ट में कैलकुलेट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट राइट डिस्प्लेसमेंट सो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करना पड़ेगा कि पर्सन टू का जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँ तो वो स्ट्रेट लाइन होने वाला है सिंपल ए सी वाला लाइन है ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओनली फिफ्टी मीटर क्लियर है चलो सेकंड ध्यान से देखना सेकंड आपको क्या करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस या फिर चलो स्पीड अगर कैलकुलेट करना है सेकंड में तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियस सब बात है कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तो अगर मैं यहाँ पे पहले पहले स्पीड को लिखता हूँ स्पीड कैलकुलेट करना है डैट इज डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेक इन अब ये डिस्टेंस कितना होगा उस पर ध्यान दे रहा देना तो ये जो पर्सन टू है ना ये जो पाथ फॉलो की दैट इज फर्स्ट इट वेंट टू ए बी देन बी सी राइट तो पहले हमें ए बी का लेंथ लेना पड़ेगा फिर बी सी का लेंथ लेना पड़ेगा सो दिस इज गोइंग टू बी फोर्टी प्लस थर्टी और इसने टाइम लगाया है ट्वेंटी सेकेंड तो ये मेरे पास आ रहा है सेवेंटी बाई ट्वेंटी डैट इज कमिंग एज ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करूँ सो दिस वी थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड राइट तो ये हो गया स्पीड थर्ड में कैलकुलेट कर लेता हूँ विलोसिटी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम राइट तो यहाँ पे देखो ध्यान से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सो अगर मुझे पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो स्टार्टिंग में मैंने कैलकुलेट कर लिया है ए और मैंने इनिशियल फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो राइट वो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा डेट विल बी और डिस्प्लेसमेंट ओनली तो ये कितना आएगा सो डेट विल बी फिफ्टी डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है देखो टाइम तो उतना ही लिया ना ए से सी मूव करने में डेट इज ट्वेंटी सेकेंड तो फिफ्टी बाई ट्वेंटी और ये वाला वैल्यू और आपके पास टू 2.5 मीटर पर राइट? तो ओवरऑल आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, है? आपने कर लिया है, distance, है तो जब आपने यहां पे मैग्नीट्यूड निकाला है तो इसके साथ आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और ये जो विलोसिटी है कि होगा? इसका डायरेक्शन होगा अलॉन्ग या फिर फ्रॉम ए टू सी दिस विल बी फ्रॉम ए टू सी राइट right? तो कभी भी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था वेलोसिटी सो so इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम फ्रॉम ए टू सी तो वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा

Equal to displacement, displacement divided by time, right.

कि किलोमीटर पर आर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं जैसे कि पे देखो 20 किलोमीटर है ना तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको यहां पे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे में देखो कितना है नीचे में आपके पास वन आर पर आर का मतलब क्या हुआ एक घंटे में उसने कितना लाइक uh, डिस्प्लेसमेंट like, uh, कवर किया है तो वन आर को अगर आपको सेकेंड में चेंज करना है तो थ्री सिक्स डबल जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so, ओवरऑल जो आर आपके पास देखो यहाँ पे ये यह अगर दो से काटोगे तो ये हो गया पाँच ये हो जाएगा एटीन मतलब कि आपको यहाँ पे फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करना पड़ गया अगर आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है राइट तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किलोमीटर पर आर को डायरेक्टली मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव बाई एटीन से क्लियर तो ये आपको याद रखना है आगे के न्यूमेरिकल्स में मे बी इसका यूज हो

तो हमने खत्म कर लिया एक्साम्पल नंबर थ्री आगे बढ़ते नंबर की तरफ क्या द ऑफ अ ट्रेन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम थर्टी किलोमीटर पर आवर टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर इन मिनट राइट तो पूछा गया कि इफ द ट्रेन बी मूविंग विध यूनिफॉर्म एक्सलरेशन वॉट इज इट्स एक्सलेशन तो ध्यान तो से देखना यहाँ पे आपके पास विलॉसिटी का uh, like, लाइक गिवन है तो फर्स्ट जो विलोसिटी था जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल तो इसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी और इसको हम लोग दिखाते हैं यू से डेट इज एज थर्टी किलोमीटर पर आर राइट उसी तरह से देखो फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग दिखाते हैं वी से ये गिवन है सिक्सटी किलोमीटर पर आर राइट और जो टाइम बोला गया है कि इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में चेंज होने में जो टाइम लगा है डैट इज इक्वल टू टाइम टेकन है हमारे पास टाइम टेकन इज इक्वल टू वन मिनट क्लियर तो देखो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया ना कि किस तरह से हम लोग किलोमीटर पर आवर को सेकंड सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ थर्टी किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं सो दिस विल बी थर्टी इंटू फाइव डिवाइडेड बाई एटीन तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड इसको काटते हैं तो ये कट गया छः से तीन बार में ये कट गया छः से पाँच बार में सो दिस इज कमिंग एज ट्वेंटी फाइव बाई मीटर पर सेकेंड राइट सिमिलरली ये सिक्सटी किलोमीटर पर आवर को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में सो दिस विल बी ये सब तीन से काटो इससे दस से काटो सो दस विल भी फिफ्टी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड क्लियर यहाँ तक चलो अब ये मिनट को भी हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते हैं सो वन मिनट होता है आपके पास सिक्सटी सेकंड्स सो ओवरऑल हमने सारे यूनिट्स को आपके एस SI में कन्वर्ट कर दिया मतलब कि मीटर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है आगे बढ़ते पूछा गया एक्सलरेशन एक्सलेन का फॉर्मूला होता है फाइनल विलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम टेक इन राइट सो दिस विल बी फिफ्टी बाई थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव बाई थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटी सेकेंड तो ये वाला वैल्यू आ रहा है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इंटू सिक्सटी और अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं सो ये आ जाएगा हमारे पास आ, दिस इज़ गोइंग टू तो बी देखो अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में इसको रखना है सो ये वाला वैल्यू आ जा रहा है ट्वेंटी फाइव बाई वन एटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट एक्सप्लेन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन अगर मान के चलो कि एग्जाम में आंसर किलोमीटर पर आर स्क्वायर में रखना है राइट right? तो क्या करेंगे हम लोग देखो ट्वेंटी फाइव ये क्या है मीटर है इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड कर दो और देखो यहां पे वन एटी क्या है वन एटी सेकेंड है इसको अगेन थ्री सिक्स डबल जीरो से डिवाइड कर दो तो ये आर में चेंज हो जाएगा ठीक है लेकिन सॉरी ये आपका एक्चुअली में आर स्क्वायर है ना तो यहाँ पे थ्री सिक्स डबल जीरो अगेन थ्री सिक्स डबल जीरो से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि देखो सेकंड को अगर आर में चेंज करना है तो एक सेकंड को आर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं थ्री सिक्स डबल जीरो से उसको डिवाइड करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है सेकंड स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे दो बार थ्री सिक्स डबल जीरो से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा सो so, ओवरऑल अगर आप फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे सो so, इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आ रहा है ध्यान से देखना दिस विल बी ट्वेंटी फाइव बाई इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो इन थ्री सिक्स डबल जीरो डिवाइडेड बाई वन एटी क्लियर है चलो तो यहाँ से एक दो तो, एक दो जीरो हटा दिया एक जीरो और हटा दो तीन जीरो, दो, जीरो दो, एक जीरो और हटा दो और यहाँ से अगर मैं सो काटू सो दिस विल बी लाइक एटीन टू जो थर्टी सिक्स तो ये वाला वैल्यू आपके पास आ रहा है पच्चीस दो ना पचास पचास को अगर मैं थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करूँ सो दिस विल एटीन हंड्रेड राइट तो ये हो गया एटीन हंड्रेड किलोमीटर पर आर स्क्वायर सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ so, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर वॉट विल बी इट्स विलॉसिटी आफ्टर टेन सेकेंड्स तो हमारे पास क्या क्या गिवेन है पहले इसको हम लोग नोट करते हैं देखो बोला गया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट इसका मतलब कि पार्टिकल का जो इनिशियल है जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं डेट इज इक्वल टू जीरो राइट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एक्सलरेशन को हम लोग ए से दिखाते हैं ये हमारे पास गिवन है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पूछा गया कि विलॉसिटी कितना होगा मतलब की फाइनल विलॉसिटी पूछा गया है आफ्टर टाइम मतलब की टाइम दिया गया यहाँ पे टेन सेकेंड्स क्लियर है तो हमारे पास जो गिवन डेटा है इससे रिलेटेड अगर हमें कोई फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला इज ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी या फिर हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये सारा फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था राइट तो इस फार्मूला को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करता हूँ सो v क्या हो जाएगा v हो जाएगा आपके पास देखो u का वैल्यू हो गया जीरो ए का वैल्यू गिवन है टू और t का वैल्यू गिवन है टेन सो दिस इज कमिंग एज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया आपके पास ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आई होप आप सबको समझ में आया

किलोमीटर पर आर इन फाइव मिनट तो फाइनल वेलोसिटी गिवन है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर और टाइम हमारे पास गिवन है फाइव मिनट राइट right? ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसके बाद देखो क्या पूछा गया अज्यूमिंग द विलोसिटी जूमिंग डेट द एक्सलेन इज यूनिफॉर्म फाइंड हमसे पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सलरेशन कितना होगा देन पूछा गया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है uh, ट्रैवल किया है फॉर अटेनिंग दिस विलोसिटी मतलब कि फॉर अटेनिंग द दिलासिटी ऑफ सेवनटी किलोमीटर पर आवर तो देखो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उससे रिलेटेड फार्मूला राइट right? तो देखो फर्स्ट फॉमुला फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूं डेट इज v इक्वल टू u प्लस एटी तो देखो ध्यान से यहां पे आपके पास v का वैल्यू गिवन एन किलोमीटर पर आर टाइम गिवन एन मिनट तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मिनट को आर में चेंज कर लेते हैं सो मिनट को आर में चेंज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है इसको साठ से डिवाइड करना है सो दिस विल बी वन बाई ट्वेल्व आर यहां तक क्लियर है आगे बढ़े चलो सो so, देखो फाइनल वेलोसिटी गिवन है 72 किलोमीटर पर आर इनिशियल वेलोसिटी हो गया जीरो एक्सलेशन को हम लोग यहाँ पे ए के फॉर्म में ही लिखते हैं और टाइम हो गया वन बाई ट्वेल्व आर तो यहाँ पे देखो ध्यान से ए का वैल्यू कितना गया? एक आ गया ए का वैल्यू आ गया, गया जीरो है ना तो दिस विल बी सेवेंटी टू ओनली सेवेंटी टू इंटू ट्वेल्व अगर हमारे पास ए का वैल्यू आ गया है सो दैट इज गोइंग टू बी ये कितना आ जाएगा सो so ये वाला वैल्यू आप आर आपके पास एट सिक्सटी फोर एंड यूनिट विल बी किलोमीटर पर आर लेकिन अगर मान के चलो एग्जाम में ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन लिखना है इन मीटर पर सेकेंड मान के चलो ये मेंशन कर दिया है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना है सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं एक्सेलरेशन का यूनिट तो एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना है तो किस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग किलोमीटर पर आर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे सो so, ध्यान से देखना यहाँ पे आपके पास गिवेन एट सिक्सटी फोर किलोमीटर राइट और नीचे में है यहाँ पे आर का स्क्वायर तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करता दाऊँ नीचे में आर का स्क्वायर है ना तो वन आर को अगर आपको सेकेंड में चेंज करना है तो थ्री सिक्स डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए अगेन आप थ्री सिक्स डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए क्लियर है चलो मतलब कि ये आर स्क्वायर को हमने सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर दिया कैलकुलेट कर लेते हैं एक दो एक दो फिर यहाँ से काटा फिर एक से कट गया है उसके बाद देखो ध्यान से मैं एट सिक्सटी फोर को ना इसी फॉर्म में रखता हूं मतलब कि सेवेंटी टू इंटू ट्वेल्व के फॉर्म में रखता हूं तो सेवेंटी टू इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स इंटू थ्री सिक्स जीरो काटते हैं तो ये तीन बार में कटा इससे काटते हैं फॉर्म तो में so राइट तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया एक्सलरेशन कैलकुलेट कर लिया है इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में राइट नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था नेक्स्ट पूछा गया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिसोसिटी तो वेलोसिटी को अटेन करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में ना मैं आपको तीन चार फॉर्मूला तीन फॉर्मूला मेनली हमने डिराइव किया था फॉर्मूला क्या क्या था फर्स्ट फॉर्मूला वॉज वी इज इक्वल टू यू था आपके पास वी स्क्वायर इक्वल और थर्ड फॉर्मूला था आपके पास एस इक्वल टू यू स्क्वायर। ध्यान so, से देखना हमारे पास जो गिवन डेटा होता है ना उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका मुझे एस का वैल्यू निकालना डेट इज माई डिस्प्लेसमेंट तो उसके लिए हम लोग आईधर फॉर्मुला नंबर टू या फॉर्मूला नंबर थ्री यूज कर सकते हैं लेकिन फॉर्मुला नंबर टू और फार्मूला नंबर थ्री दोनों में देखो ध्यान से एक्सलेन हमें यहाँ पे निकालना पड़ता पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे s निकालना है राइट right? यहाँ पे भी देखो हमें एक्सलेशन निकालना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे s का वैल्यू निकालना है क्लियर तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो ध्यान से ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सलेशन निकाल लिया है तो अगर एक्सलेशन नहीं पूछा जाता तो स्टिल हम लोग एक्सलेशन को कैलकुलेट करते राइट right? अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें एक्सलेशन को कैलकुलेट करना पड़ता पहले ठीक है तो इस एक्सिलेशन के वैल्यू को पुट करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं सो so आगे देखना हम लोग फॉर्मुला यूज कर रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला सो फॉर्मुला इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ध्यान से देखना यहाँ पे u का वैल्यू कितना गिवन है u का वैल्यू गिवन आपके पास जीरो सो so u हो गया जीरो मतलब कि ये टोटल टर्म आपके पास हो जाएगा जीरो प्लस हाफ इंटू ए ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है ए निकाला है वन बाई फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना दिया गया है टाइम दिया गया है ध्यान से देखना फाइव मिनट्स तो अगर मैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ एक्सपर्शन को मतलब कि यहाँ पे टाइम मुझे लिखना पड़ेगा इन सेकेंड राइट सो दिस विल बी सिक्सटी वन मिनट का मतलब क्या हुआ वन मिनट का मतलब हो गया आपके पास सिक्सटी सेकेंड फाइव मिनट की वजह ना मतलब इंटू फाइव यहाँ पे करना पड़ेगा तो दिस विल बी सिक्सटी इंटू फाइव अगेन इसका हमें स्क्वायर करना होगा नाउ दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सो ओवरऑल मेरे पास आ रहा है वन बाई टू इंटू वन बाई फिफ्टीन इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू फाइव इंटू फाइव क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे हर एक टर्म को दो दो बार लिख दिया है सो so इसे काटते हैं तो ये कट गया तीन बार में इससे काटते हैं सो दिस विल बी थर्टी अगेन इससे काटता है सो दिस विल बी टेन तो ओवरऑल जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज सिक्स हंड्रेड इंटू फाइव दट इज गोइंग टू बी थ्री थाउजेंड थ्री मीटर राइट तो यह मैंने मीटर में निकाला थ्री मीटर किलोमीटर में अगर चेंज करना है सो दिस विल बी किलोमीटर राइट right? तो हमने यहां पे सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है आई होप सारा एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो